सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योर मैनी टीवी। तो आज हम बताने जा रहे हैं पल्सर 125 BS6 मॉडल की, जो आपका गाड़ी का चेक इंजन लाइट होता है यहाँ पे, वो आप इजीली कैसे रिमूव कर सकते हो अपने हाथों से खुद के, क्योंकि आप घर पे ही कर सकते हो। अगर बाय द वे आप कहीं पे सर्विस करवाने ले जाते हो, कोई ऐसा बंदा जो वायरिंग को छेड़ देता है, तो ऐसा लगता है कि हमारे चेक इंजन लाइट ब्लिंक कर लेती है, हमारे यहाँ पे एरर कोड आ रहा है। बस आपको वन टैब में उस इशू को आप सही कर सकते हैं। तो चलिए बताते हैं कि हम उस इशू को कैसे सही करते हैं। तो अभी हम इग्निशन स्विच ऑन कर लेते हैं। अभी इग्निशन स्विच ऑन करके आपको दिखाते हैं। ये देखिए, हमारा चेक इंजन लाइट यहाँ पर जल रहा है। अभी बारह और चाबी स्विच ऑफ करके दिखाते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे हमारा जो चेक इंजन लाइट होता है, यहाँ पे हमारा दो बार ब्लिंक हो रहा है। ये देख लीजिए, हमारा चेक इंजन लाइट दो बार ब्लिंक हो रहा। तो अभी हम बताएंगे कि इस दो बार ब्लिंक होने का एरर कोड का मतलब क्या है, उसी को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो अभी ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ पर आ जाना है कार्बोरेटर के पास। यहाँ पर जितने भी आपको सॉकेट्स दिख रहे हैं, ये सब इनको निकाल करके वापस लगाना है। जैसे कि अभी हम इस सर्किट्स को वापस निकाल के लगा दे रहे हैं, उसके बाद आपको दिखा दे रहे हैं। हमारा इग्निशन स्विच ऑफ है, अभी हम इसको लगा दे रहे हैं। उसके बाद आपको दिखाएंगे कि हमारा जो चेक इंजन लाइट होता है वो सही हो गया होगा। तो अभी हम इग्निशन स्विच को ऑन करते हैं। ये देख लीजिए, अभी हमारा इग्निशन स्विच ऑन हो चुका है। तो अभी जब दो बार ये ब्लिंक हो रहा था, तभी दिक्कत आ रही थी। अभी हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाएंगे। हमारा किल स्विच ऑन भी है, ये देख लीजिए, हमारा चेक इंजन लाइट गायब हो चुका है। तो आप भी इजीली इस तरह से चेक इंजन लाइट को हटा सकते हैं, अगर आपके कभी भी ये प्रॉब्लम फेस करें। आपको यहाँ पे कार्बोरेटर में, क्योंकि यहाँ पे हमारा थ्रोटल पोजीशन के सेंसर की दिख रहा है, यहाँ पे हमारा ऑटो चोक है, वहाँ पे हमारा एयर पोजीशन सेंसर है। तो आप भी इस तरीके से अपनी गाड़ी का चेक इंजन लाइट बंद कर सकते हैं, खुद से ही बंद कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें।